नमस्कार। ऐसे लोग 30 से 40 साल की उम्र में मर चुके होते हैं, लेकिन 80 साल तक सांसें लेते रहते हैं। आप सोच रहे सर आज ऐसी कैसी बात कर। बिल्कुल, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे लोग कौन होते हैं जो 30 से 40 की उम्र में तो मर चुके होते हैं, लेकिन उनकी सांसें 80 साल तक चलती रहती है। मैंने कई बुक में पढ़ा था, ये वाक्य पढ़ा और मेरा सडन दिमाग घुमा कि यार इसके अंदर वाक्य में है क्या, उत्तर ये क्या कहना चाह रहा है कि 30 से 40 साल की उम्र में ऐसे लोग मर जाते हैं लेकिन 80 साल तक जीवित रहते हैं, सांसें लेते हैं। तो उस बुक को पढ़ा मैंने, उसके अंदर देखा, वाकई में मेरी आंखें खुली। वाकई में उसने क्या बात कही थी कि वाकई में इंसान अगर ये अपनी लाइफ में बदलाव नहीं करता है ना, तो वह बस सिर्फ जिंदगी जीते जाता है, एक स्वस्थ जिंदगी जीते जाता है, उसकी लाइफ में कुछ नयापन नहीं होता है। तो ऐसे लोग कौन होते हैं? ऐसे लोग ये होते हैं, आप सुबह उठते हो, दो या तीन बार अलार्म बंद करते हो, बेमन से उठते हो, उठ के मोबाइल देखते हो, चाय पीते हो, नहाते हो, चाय नाश्ता करते हो, ऑफिस जाते हो, वापस घर आते हो, टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, खाना खाते हो, सो जाते हो। क्या आप भी यही जिंदगी जी रहे हो? कोई जीवन में कोई नया बदलाव नहीं है, बस रोज जाना, रोज आना, सो जाना, सुबह उठना, बेमन से ऑफिस जाना, बेमन से उठना। जीवन में कोई उमंग नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई आनंद नहीं, बस जीवन कट रहा है। तो ऐसे लोग कौन होते हैं? ऐसे लोग वही होते हैं जो 30 से 40 साल की उम्र में मर चुके होते हैं लेकिन 80 साल तक सांसें चलती रहती है। मतलब उनके जीवन में कोई नयापन नहीं है, वही डर्रा पर जिंदगी चल रही है, जा रहे हैं, आ रहे हैं, नयापन नहीं है। अगर आपकी लाइफ में नयापन नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, तो समझ लेना कि आपकी लाइफ में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बार एक सभा में लोगों को पूछा जाता है कि बदलाव कौन चाहता है अपनी लाइफ में, तो सभी हाथ खड़ा करते हैं कि सर हम सब बदलाव चाहते हैं। लेकिन जब सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि बदलना कौन चाहता है, तो कोई हाथ खड़ा नहीं करता है। हर इंसान अपने जीवन में बदलाव चाहता है, लेकिन बदलना कोई नहीं चाहता। आप आसान रास्तों से सुस्त जिंदगी जी सकते हो, लेकिन अगर बदलाव चाहिए आपको तो कुछ नया करना पड़ेगा। जीवन में कुछ बदलाव लाइए, अपने कुछ हैबिट विकसित करिए, कुछ नयापन लाइए, कुछ नया सीखिए, कुछ नया सुनिए। जीवन में अगर कुछ नयापन नहीं होगा ना, तो आपके जीवन आपको बोरिंग लगेगा, बोरियत महसूस होगी, जीवन में कोई उमंग नहीं होगी, कोई उत्साह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप तो वो रोज वही जिंदगी जी रहे हो, रोज जाना, रोज आना। तो जीवन में कुछ बदलाव लाइए, अपने कुछ नया सीखिए, कुछ नया करिए। अब आप कहोगे सर जीवन में हमारे तो अच्छा चल रहा है, क्या जीवन में नया करें, क्या नया सीखिए? देखो, अगर जीवन में कुछ बदलाव लाओगे ना, कुछ नया सीखोगे, कुछ नया करोगे, तो एक मन में उमंग पैदा होगी, मन में उत्साह पैदा होगा, और जीवन जीने के प्रति आपकी एक उमंग बढ़ेगी, एक लालसा बढ़ेगी। कहते हैं ना कि जब कोई इंसान नया काम करने जाता है, कहीं पे भी आपने खुद ने कुछ भी नया काम किया होगा, तो कितना उत्साह होता है, कितना जोश होता है, कितना उमंग होता है। और फिर आप रोज उसी काम को रोज करते रहते, तो फिर बोरियत महसूस होती कि नहीं होती? होती। तो फिर जीवन में उमंग कहाँ, उत्साह कहाँ, और जीवन जीने की लालसा कहाँ? तो जब कुछ नया करोगे अपने जीवन में, जब कुछ डिफरेंट करोगे, तो जीवन में बदलाव आएगा। आप उस कार्य को इंटरेस्ट से करोगे, आप उस कार्य के लिए एक लालायित रहोगे कार्य करने के, नहीं यार मुझे वो कार्य करना है, नहीं मुझे वहां जाना है, मुझे कार्य करना ही करना डेफिनेट। तो ये अपने जीवन में कुछ बदलाव लाइए, अपने जीवन में कुछ नया सीखिए, जीवन जीने की उम्र बढ़ाइए। वरना अगर आप डेली वही काम करोगे, आ रहे हो, जा रहे हो, और ऑफिस जा रहे हो, वापिस आ रहे हो, तो नयापन आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। आप 40 साल की उम्र में मर चुके होंगे, लेकिन आप 80 साल तक जी रहे होंगे, सांसें ले रहे होंगे, बस जीवन कट रहा है मेरा यार, कोई नहीं। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो बस हाँ यार ठीक है चल रहा है यार, वो उमंग और उत्साह से बात नहीं करते हैं, हाँ बस जा रहे हैं यार ऑफिस यार, बस ठीक है यार, कभी एकदम एक्साइटमेंट से बात नहीं करते। तो ऐसे लोग कौन होते हैं जो पुराने डर्रे पर चलते हैं, एक ही डर्रे पर चल रहे होते हैं, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है, उनके जीवन में कोई उत्साह नहीं आता है। तो जीवन में अपने जीवन में बदलाव लाइए, कुछ नया कीजिए, हर साल कुछ नया सीखिए, कुछ नया कीजिए, तो आपके जीवन में उमंगता, उत्साह और जीवन जीने की लालसा बढ़ती रहेगी।